तो हमने मैंने बेसिकली गाड़ी को दिया है थोड़ा सा ठोक। दरअसल आप देखोगे ये यहाँ पे ना, ये एकदम ऐसे नॉर्मल लाइन है, उस पर ये प्रोट्रूड हो रहा है थोड़ा सा बाहर, और मैंने ध्यान नहीं दिया। फैसल मुझे बोलता है राइट में देखना, मैं राइट में नीचे देखने लग गया। देन वी रियलाइज कि हमारे पास में ये ऑनिंग लगी हुई यहाँ पे, आप ये देख पा रहे हो। तो फैसल खुद अभी जो है ऑनिंग ही देख रहा था, एंड ये जो थोड़ा सा स्क्रैच आप अभी देख पा रहे हो ये लग गया, दिल पे लगा ये स्क्रैच। बाय गॉड इतनी प्योर से चला रहा था ना, मर चुके। लेकिन आपके मन में सवाल ये होगा कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे मैंने मोटर होम ठोका है। वेल, जवाब बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से दूंगा मैं आपको। पहले आप रीकैप देख लो। मेरी फैसल और नूरिन के साथ में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की रोड ट्रिप की शुरुआत तो बेहद ही गजब थी। हम लगातार स्नो स्टॉर्म का सामना कर रहे थे, लेकिन फाइनली हमें मौसम जो है वो थोड़ा बहुत खुला दिखने लगा था, और हम एक्साइटेड थे क्योंकि हम जा रहे थे उस जगह पे जिसकी फोटो मेरे दिमाग में आ जाती है हर बार जब भी कोई नॉर्वे का नाम लेता है। गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, बट कोई तो रात को बर्फ हटाने आया था यहाँ पे, बट उस टाइम फॉर्चुनेटली इतनी बर्फ गिरी नहीं थी उसके बाद में, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है उसके पास में से लाइन बन रखी, यानी कि उस बंदे ने बर्फ हटाई बट हमारी गाड़ी के जस्ट पास से नहीं हटाई, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी थी, तो ज़्यादा अगर बर्फ गिर जाती तो हम फंस जाते हैं, बट अभी हम सेफ हैं। दिस इज़ हाउ यू वेक अप इन आर्कटिक सर्कल। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, देखते हैं आज क्या कर रहे हैं। करना क्या था, नॉर्वे में अगर आप अपनी गाड़ी लेके कहीं निकले हो तो आप किसी न किसी ब्रिज, टनल या फेरी पे जरूर चढ़ोगे। गूगल अर्थ को देखो आप। दरअसल नॉर्वे में फियॉर्ड की भरमार है। क्या होता है फियॉर्ड वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक वैली है जिसमें नदी की जगह समंदर बीच में आ जाता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में जमीन पानी पहाड़, पानी जमीन पहाड़, ये सभी आपको मिलेगा, और इसीलिए नॉर्वे में 100 से ज्यादा टनल्स हैं, 16,000 से ज्यादा ब्रिजेस हैं, और कई जगहों पे ब्रिजेस नहीं बनाए जा सकते, इतने बड़े बड़े जो है बीच में पैचेस आते हैं पानी के, तो फेरीज चला दी जाती है, और वो फेरीज फ्री है, आप सिंपली जाके उस फेरी में चढ़ जाओ, वो देखो वो फेरी जा रही, हम लेट हो गए, अब हम लाइन में खड़े रह जाएंगे। कुछ फेरीज में पैसे हैं, कुछ में नहीं है, अभी तक हमसे किसी ने नहीं लिया बेसिकली, हम लाइन में खड़े होंगे, एक फेरी आएगी उसमें हम चले जाएंगे। बस इतना इजी तो है, लेकिन मैंने अपना मोटर होम इसी में ठोका है। थोड़े से क्रैम्ड होते हैं, लेकिन हाँ ब्रिजेस बड़े कमाल के हैं यहाँ पे। इनफैक्ट हम आज जिस रोड पे जा रहे हैं वो ब्रिजेस की वजह से ही फेमस है। तो जब मैंने पहली बार इस रोड के बारे में देखा था, इसकी फोटो देखी थी, तो मुझे लगा ये असली में नहीं है, फोटोशॉप किया किसी ने, बट काफ़ी टाइम से मन था और अब यहाँ आ गया हूँ। ये भी आ रोड देख सकते हो आप, नॉर्थ अटलांटिक रोड बोलते हैं इसको, अटलांटिक ओशन रोड बोलते हैं, हर बार मैं इसको गलत प्रोनाउंस करता हूँ, नॉर्थ अटलांटिक रोड बोल देता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जितना फोटोज़ में लगती उससे ज़्यादा सुंदर है ये, और फॉर्चुनेटली मौसम जो है वो आज साथ दे रहा है हमारा, मतलब ऐसे कम्प्लीटली खुला तो नहीं है बट काफ़ी हद तक खुला रहा है बीच बीच में। फाइनली इट वॉज डन। 3 साल तक सिर्फ फोटोज देखने के बाद मैं आखिरकार इस रोड को ना सिर्फ देख पाया बल्कि गाड़ी भी चला ली। ये दौड़ वैसे मैं कैमरा के लिए लगा रहा था, लेकिन छलांग खुशी के मारे ही थी। खैर, रिमेंबर 16,000 ब्रिजेस के अलावा नॉर्वे में मैंने आपको बताया था कि 1,000 से ज़्यादा टनल्स भी हैं।
थोड़ा डेमो उन टनल्स का देख लो आप। तो पता नहीं सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे रेड हो रखा था और यहाँ ये जो सामने गाड़ी खड़ी है, इन्होंने हमें रेड साइन दिखाया कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। अभी तो पता नहीं ये कैसे अपडेट हुआ, ये समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि और तो ट्रैफिक आ ही नहीं गई। गजब ही डेवलपमेंट है, मतलब समझ में आने से बियॉन्ड डेवलप हो गए ये लोग। ये देखो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेडी बिल। ये गाड़ी आई इतनी सारी गाड़ियों को लेके, कॉनवॉय को लेके, तो प्रॉब्ली अभी हमें लेके भी जाएगी वापस। तो हमें बर्फ के बीच में जो है ये हाईवे मेंटेनेंस कार है, ये एस्कॉर्ट कर रही है और इसी के हिसाब से चलना है हमें, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, और उसके पीछे पीछे चलना है जितनी देर तक ये चले उतनी देर तक। आई डोंट नो क्या सिस्टम है। 9 किलोमीटर लंबी टनल में हमें आगे गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है, इसके आगे पीछे हम जा नहीं सकते, जहाँ स्लो करेगी वहाँ स्लो करेंगे। और टेम्परेचर जो है वो -5 से 4 डिग्री आ गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7 डिग्री तक भी जा सकता है आई थिंक, ये 7, 8, 9 डिग्री जाएगा और फिर बाद में हम बाहर निकलेंगे, फिर से -5 हो जाएगा। सिर्फ इस रिपेयर वर्क के चक्कर में जो है ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इस रिपेयर वर्क का। अपने देश में 2 कोन रख के ट्रैफिक जाम कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो कैमराज आप देख पा रहे हो ट्रैफिक कैमराज नहीं है, ये बेसिकली लाइव स्ट्रीम कैमराज हैं। यहाँ से जो है ये लाइव स्ट्रीम होती है, एक ऐप है ट्रैफिक की, कोई ऐप है वेग वेसन ऐसा कुछ ऐप है, उस पर जाती है और वहाँ पे ये दिखाता रहता है रियल टाइम रोड की कंडीशन क्या है, बर्फ गिरी हुई है नहीं है, आप उस हिसाब से अपना दिन प्लान कर सकते हो। और यही ट्रैफिक वाले जो है देखते रहते हैं कि भैया कहाँ स्नो क्लियर करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ पे रोड क्लोज करनी है, कहाँ नहीं करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर मैं खड़ा रहा था, मेरी फोटो जो है लोगों को ऐप में दिखने लग जाएगी। नॉर्वे दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज और हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है। इतने एक्सट्रीम वेदर के बावजूद ये चीजें देखकर हम सच में हैरान थे। खैर हम और ज्यादा नॉर्थ में जा रहे थे, चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। 3 एपिसोड बाकी है अभी इस सीरीज के।